हाय फ्रेंड्स, सो मेरा नाम आकाश है और इन दिस वीडियो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग रिगार्डिंग अप्रेंटिस, कि अप्रेंटिस होती क्या है और इसका जो ड्यूरेशन कितना होती है, सैलरी क्या होती है, तो इसका जो भी बेसिक कुछ बातें होती हैं मैं बता दूं। क्योंकि मैं भी जब अप्रेंटिसिप ज्वाइन कर रहा था उसके पहले मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि होती क्या या होगी क्या। तो फ्रेशर आप जब रहेंगे ना तो ऐसा कुछ कुछ आपकी थिंकिंग आती रहती है, तो डोंट वरी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अप्रेंटिसिप मैंने ज्वाइनिंग किया था प्रीवियस ईयर नहीं, उसके पहले ही मान गई, तो मैं 22 में ज्वाइनिंग किया था, एंड में 22 में नवंबर मंथ में मैंने 11 को ज्वाइन किया था। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये रूल्स होती है कि कंपनी का नाम ना बताया जाए, तो ओके मान चले कोई कंपनी है उसमें मैंने ज्वाइनिंग किया था। तो ज्वाइनिंग करते ही आपको होती क्या, एक एग्रीमेंट करनी होती है। एग्रीमेंट में होता है कि आपका कितना दिन का अप्रेंटिस है। तो दूसरी दूसरी कंपनियाँ अलग अलग होती है, किसी का होता है 6 मंथ का भी होता है, किसी का 12 मंथ का होता है और किसी का 15 मंथ का भी होता है। तो जैसा जैसा आपका, जैसा जिस कंपनी में आप जाते हैं वहाँ पे आप एग्रीमेंट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कितना दिन का होता है। तो मेरा जो था 15 मंथ का था एग्रीमेंट, तो वो लगभग कम्प्लीट हो चुके हैं, 10 दिन पहले ही मेरा कम्प्लीट हुआ है। तो मैं बता दूँ कि ये जो अप्रेंटिस होता है, क्या एक्सपीरियंस जैसा ही काम करता है क्या? तो मैं अपने सीनियर और अपने HR और अपने जो मैनेजर होते हैं, मैं उनसे बात करने के बाद ही बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ आकाश, ये आपका एक्सपीरियंस लेटर जैसे ही काम करेगा, बस लेकिन आप अगले कंपनी में बताओगे कि एज पर मैं गवर्नमेंट रूल पे ही काम किया और आपको गवर्नमेंट बताना होगा कि मैं गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे काम किया हूँ उस कंपनी में। तो वो आपका एक्सपीरियंस लेटर ही जैसे काम करेगा, लेकिन ये कंपनी क्या होती है कि आपको पहले 15 मंथ करना होता है और फिर जिस कंपनी में आपका ज्वाइनिंग है आप कुछ दिन और कर लीजिए, जैसे 6 मंथ 21 मंथ कर लीजिए और नेक्स्ट कंपनी में बता सकते हैं डायरेक्ट 21 मंथ का है और उस कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं डायरेक्ट पेरोल पे ही काम करते से बोलकर नेक्स्ट कंपनी में जा सकते हैं। और रहती बात की अप्रेंटिस में, ये जो 15 मंथ होता है ना, वो सैलरी जो आती है गवर्नमेंट की तरफ से आती है। इस पर कोई थर्ड पार्टी कंपनी, जैसे आप थर्ड पार्टी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बट वो जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। तो जब तक आपका अप्रेंटिसिप कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप डायरेक्ट पेरोल पे नहीं आते हो और तब तक आपको कंपनी वो सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है। आपकी जो सैलरी आएगी गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, आपकी जो सैलरी स्लिप आएगी उस पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका भी नाम नहीं आता है, जस्ट एक अप्रेंटिसिप बोल कर आ जाएगा, किस प्रोसेस में है, क्या कर रहे हैं, सब कुछ नहीं, आपका सैलरी स्लिप में कुछ नहीं दिखाएगा। वो आपका एक लगभग एक नॉर्मल जहाँ के आप डेस्टिनेशन बताता है वहाँ पर आपको बोल देगा अप्रेंटिस बोल कर आप किस रोल पे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो रही बात इसकी सैलरी, सैलरी जो होती है वो अलग अलग है, जिस प्रोसेस में आप जाते हो एज पर कंपनी का और एज पर द जो गवर्नमेंट का आप एग्रीमेंट करते हैं ना उस पर आपको रहता है। तो सैलरी जो होती है मैक्सिमम आपका जो हो सकता है 18 to 20 हो सकता है, और 12th से स्टार्ट होता है, 12, 13, 15, 18, 20 ऐसा हो सकता है, मेरा भी लगभग ऐसा ही था। आप ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे बोला जाता है आप कर सकते हो, आपको मतलब काम के साथ साथ आपको उसमें पढ़ाया भी जाएगा। तो लगभग मैंने इसमें सब कुछ आपको कवर कर ही दिया। अगर आपको कुछ डाउट होना तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका रिप्लाई देकर बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।